नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रीटा है। आज मैं आपको पेन मैनेजमेंट और घर में छोटे छोटे उपचार किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। डॉक्टर के पास जाने से पहले यदि आप घर में ही छोटे उपचार कर लें तो वो बेटर होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए। जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम लोग भीगे बादाम दे सकते हैं 4 से 5, इसके अलावा च्यवनप्राश दे सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, और इसके अलावा हम बोलते हैं कि भीगे मुनक्खा, या फिर किसी बच्चे को मुनक्खा पसंद है तो उसे दूध में दिया जा सकता है। मुनक्खा जो होता है वो बच्चों की इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ मुनक्खा जो है वो एपेटाइज़र का काम करता है। तो ये इम्यूनिटी इंक्रीज़ और हरी साग सब्जियाँ खाना, घर में बना खाना, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है बच्चों को, बतौर इसके कि बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड है उसे ना देके घर में घर का बनाया खाना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर किसी बच्चे को, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रात में बोलता है मामा मुझे कान में दर्द है, तो उस तरीके से यदि आप ये सिचुएशन फेस करते हैं तो आप तब क्या करना चाहिए, तब तुरंत डॉक्टर के लेना जाना चाहिए, या हो सकता है कई बार बच्चों के जो कान में वैक्स होती है वो जम जाती है, जमने की वजह से कान में पेन होता है, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? नॉर्मली जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तब आप घर में कर सकते हैं, जैसे जो तिल का तेल होता है उसे एक कड़छी में डाल के, आधा कड़छी तिल का तेल, साथ ही साथ उसमें गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक डालिए, और इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन सीड्स जो होते हैं वो उबाल लीजिए। जब गार्लिक ब्राउन हो जाए तब आप उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसे छान कर इसे एयर टाइट जार में रख लीजिए। जब भी आपको लगे तो आप वो एज अ पेन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जो वैक्स होती है वो सॉफ्ट होती है। ये जो तेल आप बनाएंगे ये इन वंस इन अ मंथ यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को टिनिटस की दिक्कत होती है या रिंगिंग प्रॉब्लम होती है ईयर में, वो लोग अगर इसे इस्तेमाल करें वंस इन अ मंथ तो उनके लिए भी बेनिफिट होता है। दूसरी बात, जब बच्चों में कॉमन कोल्ड होता है, कोल्ड में क्या करना है? कोल्ड जो होता है वो इम्यूनिटी बच्चों की कम होने की वजह से बार बार होता है, और अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाके वो एलर्जिक राइनाइटिस में परिवर्तित हो जाता है। इस कंडीशन में इम्यूनिटी के साथ साथ क्या कर सकते हैं आप घर में? सीतोपलादी चूर्ण होता है, आप उसे आधा छोटा चम्मच, छोटा वाला चम्मच जो है आप उसे लेके शहद में मिला के सुबह शाम जब कोल्ड होता है, शुरू होने वाला होता है, या पता चल जाता है छींकें आ रही हैं बच्चे को, या सुस्त हो रहा है बच्चे को, बच्चा सुस्त होता है तो हमें पता चल जाता है कि उसको कोल्ड हो रहा है, या ऐसे सिम्टम्स होते हैं बच्चा खाना छोड़ देता है, उस कंडीशन में हम लोग उसे सीतोपलादी चूर्ण के साथ आप उसे शहद में मिला के सुबह शाम देंगे हल्के गर्म पानी से, तो धीरे धीरे वो है वो सबसाइड हो जाता है। तुरंत एंटीबायोटिक की तरफ ना भाग के आप अगर घर में ही ये उपचार कर लेंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और साथ ही साथ धीरे धीरे इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम है या हेडेक होता है, उसमें क्या कर सकते हैं? पता है कि माइग्रेन है या हेडेक है या हेडेक की हिस्ट्री है, उन लोगों के लिए जो ब्राह्मी घी होता है या गाय का शुद्ध देसी घी होता है वो आप हल्का गर्म करके नाक में 2-2 बूंद डालेंगे रोज़। अगर रात को सोने से पहले ऐसा करा जाए तो आपको अच्छा अच्छा बेनिफिट होगा। इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स रहता है, साथ ही साथ जो ब्लॉकेजेस होते हैं साइनसिस की, जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा उपचार होता है। आई होप ये आपको बेनिफिट करें इन फ्यूचर। आई होप आप ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्द आराम पड़ेगा। धन्यवाद।